अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शोबीज क्लब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सीनियर आर्टिस्ट आबिद अली के बारे में। ये अदाकार असल में कौन है, इनकी दो दो बीवियाँ, इनकी खूबसूरत अदाकारा बेटी, आइए मुकम्मल डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल शोबीज क्लब पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबीज से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बरवक्त मिल सकें। व्यूवर्स, ये सीनियर अदाकार पाकिस्तान के शहर क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये 17 मार्च 1952 को क्वेटा में पैदा हुए थे और 5 सितंबर 2019 को ये खालिक हकीकी से जा मिले जब इनकी उम्र 67 ईयर्स हो चुकी थी। ये काफ़ी देर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में हॉस्पिटलाइज रहे और बाद अज़ा इनका इंतकाल हो गया। बात करते हैं अब यहाँ इनके कुछ शोबिज कैरियर की और इसके साथ साथ इनकी फैमिली के बारे में। पीटीवी के ड्रामा वारिस से इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की थी। उसके बाद ये तकरीबन 200 प्लस मूवीज़ और ड्रामास में इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से इन्होंने अवार्ड भी अपने नाम किया था। दयारे दिल ड्रामे का इन्हें अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया। और ना ही ये आपको एज अ एक्टर सिर्फ काम करते हुए नजर आए, बल्कि इन्होंने ऐसा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी काम किया है। बात कर लेते हैं यहाँ इनकी फैमिली के बारे में। तो इनकी पहली शादी हुमैरा अली के साथ 1976 में हुई थी, जिनसे इनकी एक बेटी ईमान अली है जो कि सुपर मॉडल भी हैं, अदाकारा भी हैं। इसी तरह रहमा अली भी इनकी बेटी हैं और मरियम अली भी। इनकी तीन बेटियाँ और तीन बेटियों के बाद अपनी बेटियों की शादियों में भी ये शिरकत इन्होंने की। बाद 2006 में इनकी इन्होंने डाइवोर्स दे दी हुमैरा अली को और इन्होंने दूसरी शादी रबिया नौरीन के साथ की। याद रहे कि रबिया नौरीन की भी ये दूसरी शादी थी इनके साथ 2006 में। और जब 2019 में इनके इंतकाल हुआ तो इनकी दूसरी अहलिया रबिया नौरीन ने इनकी बेटियां और पहली बीवी को इनकी आखिरी रसूमात में भी शामिल नहीं होने दिया था, जिस पर बाद अज़ा खुद ईमान अली ने भी इंटरव्यूज में इस बात का इंकशाफ किया था। बात करते हैं यहाँ इनकी तालीमी काबिलियत की। तो आबिद अली ने मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स किया था। जबकि बात करें इनकी फिजिकल अपेयरेंस के बारे में, इनकी हाइट 5 फुट 6 इंच, इनका हेयर और आई कलर ब्राउन, जबकि इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है। इनका फेवरेट कलर ब्लैक। इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान। इनकी हॉबी ट्रैवल करना, राइटिंग करना है। तो ये सीनियर अदाकार आबिद अली आपको कैसे लगते हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कॉमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबीज़ क्लब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।